हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइंस फॉर एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल देख रहे सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की इस क्लास के असी जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं दैट इज़ ऑफ 8th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट बिजली धारा दे रसायनिक प्रभाव। सो इस चैप्टर दे विच किस तरह के जिहड़े क्वेश्चन आ सकते हैं नैस बेस्ड क्वेश्चन की लर्निंग आउटकम बच्चों ने जिहड़ा इस चैप्टर दे विचों की सीख्या। सो आओ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपां डिस्कस करते हैं, उहदे तो तुहानू पता लग जाएगा कि तुहाडे जिहड़ी इस चैप्टर दे विच किन्नी कु कंसैप्ट जिहड़ी क्लैरिटी है। सो फस्ट क्वेश्चन इज़ वीना हैज़ रीड दैट सम मटीरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी वाइल अदरस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। Which of the followings are good conductors? Copper, silver, iron, all of the above. So, बच्चो इहदा जिहड़ा आंसर है that is all of the above। सानू पता है कि जिन्नियां भी जिहड़ियां मैटल्स हन वह सारियां की हन they are good conductors of electricity। सो घरां दे विच जिहड़ी साडी वायरिंग हुंदी है वह किहड़ियां तारां दी हुंदी है उहदे विच जिहड़ियां कापर ते अलमीनियम दीआं तारां जिहड़ियां आपां यूज़ करदे हां मोस्टली आयरन लोहे दे विचों भी जिहड़ा करंट है वह लंघ जांदा है। सो ऑप्शन नंबर 4 जिहड़ी है आल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। सैकेंड क्वेश्चन टूडे रोहित हैज़ कम टू नो अबाउट द डिवाइस विद विच पीपल यूज टू फाइंड डायरेक्शन इन एंशियंट टाइम्स। रोहित ने अज एक नवा डिवाइस जिहड़ा उहदे बारे उहनू पता लगा जिहदे विच पुराने समय दे विच लोग जिहड़े हन वो टाइम देखदे सन। वट इज़ दैट डिवाइस कॉल्ड? वोल्टमीटर, एम मीटर, मैगनैटिक कंपास के आल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी जिहड़ा है मैगनैटिक कंपास जिहड़ा नीडल दे नाल आपां जिहड़ा है पुराने समय दे विच जिहड़ा है टाइम देखिया जांदा सी जदों जिहड़ियां घड़ी जिहड़ी है उहदी इनवेंशन नहीं हुई सी। वोल्टमीटर आपां बेटा जी यूज़ करदे हाँ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वोल्टेज। एम मीटर जिहड़ा है आपां यूज़ करदे हाँ इन ऑर्डर टू फाइंड द करंट कि सर्कट दे विचों किन्ना करंट लंघ रहा है। सो मैगनैटिक कंपास दे नाल आपां पुराने समयां दे विच उहनूं यूज़ करदे सी टाइम देखने दे लई। थर्ड क्वेश्चन टूडे मनीष स्टडीड वेरियस इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ करंट द इलैक्ट्रिक बल्ब वर्कस। साडे घरां दे विच जिहड़े जिन्ने भी साडे बल्ब लगे हुए हैं वह किस इफेक्ट दे नाल जगदे हैं। सो इहदा जिहड़ा राइट आंसर है दैट इज़ ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट कि जदों आपां उहदे बल्ब दे विचों करंट फ्लो करदे हाँ उहदे विच एक फिलामेंट लगा हुंदा है टंगस्टन का फिलामेंट वह फिलामेंट हीट अप हो जाता है। सो हीट अप होने दे नाल वो फिलामेंट ग्लो करता है तो जिहड़ा सानू रोशनी पैदा करता है। सो करंट जिहड़ा बल्ब जगता है दैट इज़ ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन नीटाज मॉम टूडे बॉट गोल्ड प्लेटड सिल्वर ज्वैलरी। नीटा दी मम्मी ने अज जिहड़ी सोने का पानी चढ़िया होया एक सिल्वर की जड़ा है गहना खरीदया। द प्रोसैस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ वन मैटल ऑन अनदर इज़ कॉल्ड। राइट आंसर इज़ इलैक्ट्रोपलेटिंग। सो इलैक्ट्रोपलेटिंग के नाल की है कि आप एक मैटल के उत्ते दूसरी मैटल की जड़ी परत है उन्हों आप चाड़ सकते हैं। सो एंड दिस प्रोसैस इज़ नोन एज इलैक्ट्रोपलेटिंग। फिफ्थ क्वेश्चन ध्रुव वॉज वेरी हैप्पी टू सी ट्रैफिक सिग्नल्स। वट टाइप ऑफ लाइट्स आर यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल्स। तुसी बेटा जी देखिया होना कि ट्रैफिक सिग्नल्स के उत्ते रैड ग्रीन ते येलो लाइट्स जिहड़ियां हन वो सिग्नल सानू दूर तो ही नज़र आ जाते हैं एंड वो जिहड़े सिग्नल्स हन वो किहड़े बल्ब के बने हुए होंगे। सो दे आर मेड अप ऑफ LED बल्ब। LED बल्ब के तां बने हुए होंगे क्योंकि दे आर लोंग लास्टिंग ते बहुत घट पावर घट एनर्जी के उत्ते जड़े हैं ये बहुत ही लंबे समय तक चल सकते हैं। सो ऑप्शन बी जड़ा है दैट इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन मीनाक्षी ब्रोक ए ड्राई सैल टूडे एंड फाउंड ए ब्लैक रोड इन इट। मीनाक्षी ने एक
ड्राई सैल जिहड़े तुसीं घरां दे विच यूज़ करदे हो डबल ए या ट्रिपल ए बैटरी सैल्स जदों तुसीं उन्हां नूं तोड़ो तो उहदे विचों एक काले रंग दा जिहड़ा सिक्का निकलदा है ठीक है ना एंड उस ब्लैक रॉड नूं आपां की कह दिंदे हाँ सो उहनूं आपां इलैक्ट्रोड कहिंदे हाँ जिहदे विच जिहड़ा है वह एक इलैक्ट्रोलाइट दे विच डुब्बिया हुंदा है ते उहदे विचों जिहड़ा है करंट जनरेट हुंदा है सो उस काले सिक्के नूं आपां इलैक्ट्रोड कहिंदे हाँ सैवंथ क्वेश्चन हीरा सिंह इज सरप्राइज्ड दैट ऑन पासिंग इलैक्ट्रिसिटी वाटर डिसोसीएट्स इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कि जदों आपां पानी दे विच जिहड़ा है करंट लंघाने हाँ इस प्रोसैस नूं आपां इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कह दिंदे हाँ सो इस प्रोसैस जिहड़ी है तुसीं दसना है कि ये ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਅਡ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪ ਇਨ ਟੂ आयन्स एंड इलैक्ट्रॉन्स जिदे करके जिहड़ा है उन्हां दे विचों जिहड़ा है करंट फ्लो करन लग पैंदा है एंड दिस इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिस इज ड्यू टू द कैमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एट्थ क्वेश्चन टूडे बलजिंदर ऑब्जर्वड इन साइंस लैब दैट लैमन वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी विनेगर टैप वाटर टोमैटो यूस आल ऑफ दिस हुण बेटा जी सानू पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी क्यों हुंदा है क्योंकि किसी भी जिहड़ा लिक्विड है वह जे डिसोसीएट हो जाए आयनस ते इलैक्ट्रॉन्स दे विच ते वह जिहड़े आयनस ते इलैक्ट्रॉन्स हन वह करंट कैरीयरस हन जिहदे करके जिहड़ा है उस लिक्विड दे विचों करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है हुण जदों आपां डिस्टिल्ड वाटर दे विच लैमन पाने हाँ लैमन की है वह एक एसिड है सो एसिड जिहड़ा है वह फर्दर ब्रेकअप हो जाता है जिहदे करके लैमन वाटर दे विचों करंट लंघदा है सो इस तरह बेटा जी विनेगर की है सो विनेगर इज सी एच थ्री सी ई ओ एच एसटिक एसिड है सो इहदे विच जिहड़ा है वह एच प्लस आयन ते सी एच थ्री सी ओ ओ नैगटिव आयनस के ब्रेकअप हो जाता है तो वह जड़े पॉजिटिव तो नैगटिव चार्ज कैरीयरस हैं वह करंट नू फ्लो कराते हैं सो विनेगर इज ए गुड कंडक्टर इस तरह ही टैप वाटर जड़ा है वो इंप्यूरिटीज़ होंदिया हैं इंप्यूरिटीज़ दे आर गुड कैरीयरस ऑफ करंट सो जिदे करके करंट जड़ा है फ्लो करता है टोमैटो जूस इट इज़ आलसो ए एसिडिक सो एसिडिक जड़े हैं वह फर्दर ब्रेकअप हो जाते हैं आयनस एंड इलैक्ट्रॉन्स के जिदे करके जिहड़ा है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी सो जिन्हें भी जूसिस हैं ऑरेंज जूस टोमैटो जूस लैमन जूस दे आल आर गुड कंडक्टर्स सो इहदा राइट आंसर की है आल ऑफ द अबव आल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी नाइन्थ क्वेश्चन इलैक्ट्रिसिटी रिपेयर इज गोइंग ऑन इन सेवक्स हाउस घर सेवक के घर में बिजली ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਆਲ ਦੀ ਟੂਲਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਂਡਲਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਪੇਚਕਸ ਪਲਾਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਸ ਹਨ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਸ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟੈਂਥ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਕਜ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ
or distilled water is bad conductor of electricity. What will happen if we add salt in it? कि जड़ा बेटा जी pure water है वो एक bad conductor है. जदों आपां पानी दे विच salt add कर देने हाँ, salt की है sodium chloride. So sodium chloride जदों आपां add up कर देने हाँ ते जदों current flow कर दे हाँ, so it dissociates into N plus ions and Cl negative ions. So जिदे करके की है पानी दे विच्चों करंट जेड़ा है वो फ्लो करना शुरू कर दिंदा है. So जदों आपां salt add कर दे हाँ ते water will become a good conductor. So उदे विच्चों जेड़ा करंट है वो फ्लो करन लग पाएगा. So option A जेड़ा है that is the right answer. 11th question. Sanjeev has noted that iron vehicles have plating of some other material. कि जिन्ने भी साड़े iron vehicles हन, for example साड़ियां जड़ियां bikes हन जा जड़ियां cars हन, वो सारियां जड़ियां हन iron दियां बनियां होईयां हुंदियां और उते आपां paint कीता हुंदा है जा उना दे उते कोई परत चाड़ी हुंदी है electroplating करके किसी दूसरी metal दी. वो क्यों इस तरह कीता जांदा है? To prevent iron from rusting. कि iron नू जिंगार लगन तो रोकन लई, to make it strong, to make the surface shining or all the above. So the right answer की है to prevent it from rusting. कि iron नू जड़ा है सानू पता है कि जिंगार लग जांदा है. So iron नू जिंगार लगन तो रोकन दे लई, so आपां उदे उते कोई होर metal दी जड़ी परत है जां paint कर दिने हां ताँ जो जड़ी उस iron दी life है उन्हों वदाया जा सके. So I hope कि तो अनु जड़े ए वाले NAS based learning outcome questions हन वो बिल्कुल understand हो गए होंगे. So if you really like this lecture, subscribe to our YouTube channel, like this video and share among all other friends and fellows. Till then, goodbye. Take care.